नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोलिमा शीथ एंड माइलिन शीथ। दोनों ही लेयर है। पहला फर्क, न्यूरोलिमा आपकी जो है आपकी श्वान सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, दैट इज अ कवरिंग विच इज प्रेजेंट अबव द श्वान सेल्स, ओके। एंड दूसरा आपकी माइलिन शीथ जो होती थी आपके पूरे के पूरी जो एक्सोन लेयर है, ये पूरा आपका एक्सोन है, दिस वन, ये जो पूरा अंदर का पार्ट है दिस इज एक्सोन, इस पूरे एक्सोन को कवर करती है, दैट विल कवर कंप्लीट एक्सोन, माइलिन शीथ जो होती थी। फर्क दूसरा क्या है, आपकी न्यूरोलिमा जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये की लेयर होती है, इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, दैट इज यू कैन सी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, जबकि आपकी माइलिन शीट जो होती थी फैटी एसिड की बनी है। अब भाई एक सीधी चीज, फैटी एसिड आ चुका है, फैटी एसिड का काम क्या होता है, दैट विल इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ये एनर्जी को अंदर अपने स्टोर करके रखता है और फिर आपकी बॉडी को हीटअप करता है, ठीक है। आपका जो फैटी एसिड होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है उसमें फैटी एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर भी माइलिन शीथ क्या कर रही है, फैटी एसिड की बनी हुई है, तो ये इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी, दैट विल एक्ट एज अ इंसुलेटिंग एयर। और साथ के साथ में क्या कर रही है, ये आपके जो मैसेजेस का कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उन मैसेजेस को क्या करेगी, दैट इज ट्रांसमिट करवाएगी। इज इट क्लियर अविनाश, आराधना, शिल्पा, जनक, समीक्षा, आशीष, अंकिता, सभी को क्लियर वाली बात, कोई है तो नहीं क्या बच्चा, वर्षा, यस सर, डिफरेंस समझ में है, माइलिन शीट का काम क्या है, फैटी एसिड की बनी हुई है, सो एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरा आपके मैसेजेस का ट्रांसमिशन कर रही है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसी में ही हो रहा है जितना भी कंडक्शन हो रहा है मैसेजेस का, तो एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग लेयर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग लेयर मतलब दोनों काम कर रही है। देन आपका जो श्वान सेल वो क्या कहते हैं न्यूरोलिमा सेल्स थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ये जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी थी, ये क्या काम कर रही है, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसको मैं अभी, एक चीज और आएगी इससे रिलेटेड आगे, उसको कनेक्ट करूंगा वहां पे, इस बात को ध्यान रखना, इस चीज को मार्क कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आपका जो न्यूरोलिमा लेयर थी ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यानी पेरिफेरल नर्व्स फाइबर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक तो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गए थे, जैसे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कराना चाहता हूँ आई कैन मूव, तो ये मेरा क्या हो गया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा, नहीं बोलना चाहता मैं चुप, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं वो इसी के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, जैसे आपका हार्ट कंटिन्यूअसली पंपिंग करता रहेगा, लंग्स हैं रेस्पिरेशन करते रहेंगे, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता था, आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड, इनके बाहर की जो नर्व सेल्स होती हैं, इनसे बाहर की जो नर्व सेल्स होती हैं, दैट इज आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होती थी, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स क्या हो गई आपका, पेरिफेरल नर्व्स ये कहां होंगी, आपके ब्रेन के आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट होंगी, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होंगी दैट इज कॉल्ड योर क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन के अंदर जो होती हैं दैट इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। तो ये तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाती है, लेकिन इनसे बाहर की जो नर्व्स होती हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनती है। कुछ बात समझ में आई बेटा, पेरिफेरल नर्व्स समझ में आए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ, नर्व्स क्या होती है पेरिफेरल, क्लियर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपके इन पेरिफेरल नर्व्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी क्या, आपके न्यूरोलिमा सेल्स जो है, और अभी आप समझना ये आपका जो नर्व सेल्स है, अब जैसे मेरे हाथ में है मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, दो तरह की नर्व्स होती है, समझना इस चीज को, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ कुछ चीजें समझ जाओगे आगे आपके बहुत फायदा है। नर्व्स दो तरह की होती है, एक होती है आपकी सेंसरी नर्व्स, कोई बताएगा मुझे क्या होती है, व्हाट इज सेंसरी नर्व एंड व्हाट इज मोटर नर्व्स, मेरे होशियार बच्चों कोई है क्लास की में, है किसी के अंदर,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो चाहता हूँ, ट्राई करो, दैट इज। हाँ सर, सेंसरी नर्व्स मतलब जो सेंस करने के काम है, और मोटर मतलब जो काम करने के लिए हम लोग को सिग्नल दे। ठीक है अविनाश, गुड ट्राई। बाकी कोई और है महान इंसान? इज देयर एनीवन? आराधना, समीक्षा, शिल्पा, जनक, वर्षा, अंकिता, आशीष? सर सेंसरी में हम लोग आउटर आउटर बॉडी पार्ट से जो सिग्नल आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेते हैं, और मोटर में वाइस वर्सा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका सेंसरी नर्व्स क्या है? सेंसरी नर्व्स जैसे मेरी फिंगर है, ठीक है, ये मेरी फिंगर है, इस पे मैंने पिंच किया, यानी कि सपोज कोई पॉइंटेड चीज थी, कोई पेन था, वो मैंने इस पे गलती से लगा दिया, मुझे पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया, मैंने वो पेन या कोई गर्म चीज पकड़ ली, ठीक है, तो यहां से जैसी वो चीज टच हुई, एक्सटर्नल फैक्टर मेरी फिंगर पे जैसी टच हुआ, यहां से मैसेज सीधा मेरे ब्रेन पे गया, मेरे ब्रेन मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे गया मैसेज, तो वो मैसेजेस जो गए मेरी फिंगर से मेरे ब्रेन मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक, उनको कौन लेके गया? सेंसरी नर्व्स लेके गई, ठीक है। ये क्या करती हैं? आपके मैसेजेस को लेके जाती हैं आपके इफेक्टर पार्ट से, इफेक्टर ऑर्गन से लेके जाती हैं मैसेजेस को आपके ब्रेन तक या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों आ रहे हैं, आपके ब्रेन भी और आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो मैसेजेस लेके गया आपके सेंसरी नर्व्स। अब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर जब मैसेज आएंगे कि आपने कोई गर्म चीज पकड़ी और आपने एकदम से छोड़ा, तो जब पकड़ी थी तो वो मैसेज गया आपके सेंसरी नर्व से आपके ब्रेन तक, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड जैसे आपने छोड़ा तो वो जो मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि भाई इसको छोड़ दो क्योंकि ज्यादा पकड़ोगे तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो फटाफट, तो आपने जैसे ही उसे छोड़ा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आपके इफेक्टर ऑर्गन थे, इसी को आप बोलते हो रिसेप्टर, दोनों ही सेम है, रिसेप्टर ऑर्गन बोलो उसको चाहे इफेक्टर ऑर्गन बोलो, बोथ आर सेम। यहां पर आपका जो मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो किसके थ्रू आया? मोटर नर्व्स के थ्रू आया। इज इट क्लियर नाउ शिल्पा? इज इट क्लियर समीक्षा, जनक, सभी को क्लियर वाली बात? ठीक है अंकिता, ओके ओके। आशीष बेटा क्लियर तुम्हारी ये वाली बात? क्लियर हुई ना आशीष तुम्हें भी? ओके, अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना भाई, मेरी जो ये फिंगर में जो नर्व्स प्रेजेंट है, मेरी पूरी बॉडी में जो ये नर्व्स प्रेजेंट है, क्या ये मेरे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है या मेरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है या उनसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है? मेरे फिंगर्स में, मेरे पूरी बॉडी में जो ये नर्व्स हैं, आपकी पूरी बॉडी में जो ये नर्व्स हैं, आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ ही तो प्रेजेंट है, राइट और नॉट? यस सर। तो ये किसका पार्ट हो गई? आपकी पेरिफेरल नर्व्स का पार्ट हो गया। अब क्लियर बात? अब पेरिफेरल नर्व्स का ये पार्ट हो गया, इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट है? आपकी न्यूरोलिमल लेयर प्रेजेंट है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इज इट क्लियर? माइलिन शीथ तो कंडक्शन कर रही है और न्यूरोलिमल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब क्लियर सभी को ये वाली बात बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? दोनों में फर्क समझ में आ गया? यस सर। मैं क्लास को एक्सटेंड करूंगा, अभी 5 बजे फ्री नहीं करूंगा आप लोगों, आज मैं आप लोगों के प्राण पीऊंगा अच्छे से, ठीक है? सर फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल कर दूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं बिल्कुल कर दूंगा। आई सेड ओनली वन थिंग बेटा, कि आपके जो मसल सेल्स थी, ये मसल सेल्स आपके जो पेरिफेरल नर्वस थी फाइबर्स थे, पेरिफेरल नर्व्स फाइबर्स या पेरिफेरल नर्व्स जो होती थी, ये आपके ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट होती है, तो आपकी पूरी बॉडी में, आपके फिंगर्स, आपके फुट, आपके पूरी बॉडी में जितने भी ये नर्व्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है उनको छोड़ के, ये सब आपके पेरिफेरल नर्व्स का ही पार्ट है, और इनको प्रोटेक्शन फिर कौन प्रोवाइड करता है? इसीलिए न्यूरोलिमा पार्ट जो होता है, न्यूरोलिमा लेयर थी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। अब क्लियर वाली बात अविनाश? यस सर। चलो ओके, मैं क्लास को एक्सटेंड करूंगा अभी, इस चीज को भी ध्यान रखना, अब मैं आप लोगों के प्राण पीऊंगा, रेडी हो? सर उनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता?
क्योंकि ये आपकी जो न्यूरोलिमा होती थी, ये किसकी, इसका नेचर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज नेचर वाइज कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता था दैट इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आउटर एनवायरमेंट से, दैट इज इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंडक्शन का काम आपका जो होगा बाहर से आउटर एनवायरमेंट से इनर एनवायरमेंट में, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ में प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड कर रही थी, करती है कि नहीं करती है आपकी सेल्स को, तो तो इसीलिए जो बाहर पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होते हैं वो सब इसी मेम्ब्रेन से मतलब कवर्ड रहते हैं। हाँ पेरिफेरल्स आपके सारे इसी से कवर्ड है, न्यूरोलिमा से कवर्ड है, ठीक है। लेकिन कंडक्शन जो होगा, क्योंकि नर्व है, नर्व से तो भाई मैसेजेस का कंडक्शन तो होगा ही होगा, तो मैसेजेस का कंडक्शन कौन कर रहा है आपका, वो आपकी जो माइलिन शीथ है इसके थ्रू होगा। अब क्लियर बात बच्चे। यस सर। और ये माइलिन शीथ कौन बनाता था, ये जो श्वान सेल्स मैंने दिखाई, जिनको आप जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोलिमल लेयर प्रेजेंट है, ये श्वान सेल्स आपकी क्या करती है, दैट विल फॉर्म माइलिन शीथ, इनसे आपकी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती थी। ओके एंड देन इसके बाद आपका लास्ट में क्या आ गया, एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द लास्ट पार्ट, और ये जो पार्ट्स हैं ब्रॉड पार्ट, दिस इज साइनेप्टिक नॉब्स, ये आपके साइनेप्टिक नॉब हो गए। तो यहां से जैसे मैसेज आपका गया, आपका मैसेज यहाँ तो अंदर जो होता, जैसे इसके अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहे थे यहाँ पे, वो तो आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहे थे, ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट हुए, लेकिन जैसे ही साइनेप्टिक नॉब को क्रॉस करके यहाँ पे जो ये साइनेप्स होता है, स्पेस जो होती है, या हम बोले गैप जो होता है साइनेप्स का, यहाँ पे आपका मैसेज किस फॉर्म में आ गया, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और केमिकल फॉर्म भी कौन सी, यहाँ पे एसिटाइल कोलीन। अब क्लियर बात बच्चों, सभी को कोई डाउट तो नहीं रहना है इसमें। हाँ बच्चों चलो, क्लियर। गुड वेरी गुड। अविनाश क्लियर तुम्हें, समीक्षा जनक यस वर्षा आशीष सभी को ठीक है, सब क्लियर, ऑल क्लियर, चलो तो ठीक है। तो ये चीज आपकी मेन थी जो मुझे डायग्राम समझाना था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपने समझ लिया, आपने नर्वस टिश्यू समझ लिया, अब बस इसको थोड़ा लिखना बाकी है, दैट्स ऑल, इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, खत्म, जस्ट राइट डाउन नाउ। आपके नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं तो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, आप सभी जानते हो आपका नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स का बना है, जो अभी हमने देखा। न्यूरॉन का मतलब नर्व सेल्स, न्यूरॉन कुछ और नहीं है, ये आपके नर्व सेल्स हैं जो अभी आपने ऊपर देखी, दैट इज इसका बना हुआ है। इसलिए न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिट, इट्स अ यूनिट ऑफ, इट्स अ यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, इट्स अ यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आपका। देन इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्या आ गया, क्या काम कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल सिंपल सी बात, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गए, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हो, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अंकिता ये बात समझ में आ गई जो मैंने ऊपर डायग्राम बताया था, क्लियर हो गया ना सारा, ये बोलती नहीं है तो ओके ओके है नहीं वो, ओके ठीक है, दैट इज, तो ये हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम यहाँ पे कर रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट, न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके इंपल्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूरॉन्स दैट विल कैरी इंपल्सेस, ठीक है, आपके इंपल्सेस को कैरी कर रहा है। दो तरह की इंपल्सेस होती हैं बच्चों, कौन बताएगा नाम मुझे, आपके इंपल्सेस दो तरह की होती हैं, नेम आप लोग जानते हो, नेम 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 कौन बताएगा बच्चों, क्या हुआ कैसे, क्या बात है भाई, कैसे नींद आ रही है क्या, क्या बोले। मैं बोला कि इंपल्सेस के नेम क्या है, आपके न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, उनके नाम क्या है,
वो इम्पल्स अभी मुझे समझा नहीं, मैं उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो सर ये है, तो वही तो है दोनों। नाम बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो नाम बोलने में? दैट इज योर केमिकल इंपल्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दैट इज आपके दो तरह के ट्रांसमिशन जो होता है मैसेजेस का, इन दो फॉर्म में होता है। मेजोरिटी आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स की है, इसलिए बोल दिया जाता है कि मैसेज का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, बट केमिकल फॉर्म में भी होता था साइनेप्स में। दैट इज देन इसके बाद अब आपके जो न्यूरॉन्स होते थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते थे? न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड बाय एंड सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लिया सेल्स। दैट इज प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल। ठीक है, आपके न्यूरोग्लिया सेल्स जो होती हैं वो आपके नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब ये होती क्या है, एक डायग्राम देखो उसमें आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। दैट इज दिस डायग्राम, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा ये डायग्राम सबको क्लियर है अच्छे से? इज इट विजिबल टू एवरीवन नाउ? आशीष यस बेटा सर, ओके ठीक यस सर, है जनाब, चलो अब आ जाओ इस डायग्राम को समझ लो। इस डायग्राम में कुछ नहीं, बस आपको न्यूरोग्लिया सेल्स जो है इन्हीं को देखना है। ठीक है, ये तो आपका पूरा का पूरा एक आपकी नर्व सेल्स, एक पूरा कंप्लीट न्यूरॉन दिखा रखा है। दिस इज अ न्यूरॉन, एक सेकेंड डार्क यूज कर दो। ये तो आपका कंप्लीट न्यूरॉन है ये जो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने डेंड्राइट्स, वही डेंड्रॉन हो गए या डेंड्राइट्स बोलो, ये डेंड्राइट्स हो गए। ये आपका साइटोन हो गया, दिस इज साइटोन। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया अंदर का, दिस वन इज न्यूक्लियस। देन इसके बाद बेटा ये आप लोग के बच्चे हो गए एक्सॉन, दिस इज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट नर्व सेल दिखा रखे है, न्यूरॉन दिखा रखा है। अब इसके चारों तरफ आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, ब्लैक कलर के। दैट इज इन्हीं को आप न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स, जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इनको साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स ना आपके नर्वस सिस्टम का मिनिमम 50%, 15% मिनिमम पार्ट बनाती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम समझ रहे हो इस बात को, बल्कि ये मिनिमम है 50%, 50% से ज्यादा ही होता है आपका। इसका जो पार्ट होता है न्यूरो आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स का नर्वस सिस्टम के अंदर, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज्यादा ही है। कहीं कहीं आप 50% तो है ही है, ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आपको 50% से ज्यादा दिखा दिया जाता है, बोल दिया जाता है। तो इसलिए 50% तो उसको लेके ही चलो, ये 50% पार्ट तो बनाती बनाती है नर्वस सिस्टम का। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है न्यूरोग्लियल सेल्स। काम क्या है, सिर्फ आपके नर्व सेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स जो हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं और उनको सपोर्ट दे रही हैं ताकि वो स्टेबल रहें। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर, याद रखना इस चीज को, आपके नर्वस सिस्टम का 50% पार्ट आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स बनाएंगे और ये सिर्फ नर्वस सिस्टम को, न्यूरल सेल्स जो हैं, आपकी न्यूरॉन्स जो हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब आ जाओ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट मैंने बताया था वो तो खैर मैंने लिख ही दिया, 50% पार्ट बनाती है। अब इसमें आपका सबसे पहले आ गया साइटोन। साइटोन क्या है, आपका सेल बॉडी। डेंड्रॉन्स भी हैं, डेंड्रॉन्स आपके ब्रांच्ड होते हैं, सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं, दैट्स ऑल। तो मैं डेंड्रॉन्स के बारे में लिखवा नहीं रहा हूँ, वो सीधा सीधा आप जानते हो आपके मैसेजेस को कलेक्ट करेंगे, दैट विल कलेक्ट द मैसेजेस यहीं पे। डेंड्राइट जो है ये क्या काम कर रहे हैं, दैट विल कलेक्ट These signals, that's all. तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूं।
सेल बॉडी है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, दैट कंटेन, आपने डायग्राम में देखा था न्यूक्लियस होता ही है, दैट कंटेन सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसे आप न्यूरोप्लाज्म बोलते हो, दैट कंटेन न्यूरोप्लाज्म, दैट मींस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, निसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते थे जो आपने देखे थे, इसमें आपके आरईआर प्रेजेंट होते थे, ऑल्सो कंटेन निसल ग्रेन्यूल्स, या इन्हीं को आप निसल बॉडी भी बोलते हो, दैट विल कंसिस्ट आर ई आर, ठीक है, आर ई आर इसमें आपके प्रेजेंट है, अभी नहीं होगी, आर ई आर इसमें प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं यहां पे राइबोसोम्स है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, अभी नहीं होगी छुट्टी, मैं टाइम खाऊंगा तुम लोग, अब आ जाओ इसके बाद आपका नेक्स्ट, बोर तो नहीं हो रहे, आराधना, अविनाश, जनक, शिल्पा, वर्षा, समीक्षा, कौन कौन है, समीक्षा ही नहीं, ओके, ओ हेलो, जो जो रुके हुए हो अभी, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, नो सर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत तरक्की करोगे तुम लोग, बहुत आगे जाओगे, और जो बोर हो रहे हैं ना मुंह पे पानी मारकर आ जाओ फिर ठीक है, और जिनको बोरिंग हो रही है ना, जिनको लग रहा है, तो मुंह पे पानी मारो जाके, ठंडा ठंडा पानी मारो, मजा आ जाएगा। चलो अब आ जाओ इसके बाद आपका एक्सॉन, डेंड्राइट्स के बारे में मैंने बात नहीं कर रहा, मैं सीधा एक्सॉन पे आता हूं। आपका सिंगल लेयर, सिंगल होता था, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, दैट इज अ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक सी थिकनेस है, कम ज्यादा कहीं नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी थिकनेस कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, दैट इज, ठीक है, इसके एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल arborization, ठीक है, जो आपके नर्व सेल्स में आपने देखा था, आपके जो नर्व एंड्स थे, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, पूरे पूरे एक्सॉन्स के एंड को टर्मिनल arborization बोलते हो, दैट इज, ठीक है, यहां पे आपके निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, सो सीधी सी बात है, यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, निसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ठीक है, आपका एक्सॉन क्या कर रहा है, मैसेजेस को साइटोन से दूर लेके जा रहा है, दैट विल कैरी मैसेजेस अवे फ्रॉम द साइटोन, आपके साइटोन से ये मैसेजेस को दूर लेके जाएगा, कॉमन सेंस है, सीधी सी बात, ठीक है, आपके नाउ यहां पे आपकी जो एक्सॉन होता था, एक्सॉन में क्या है, आपकी माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होती थी, और आपकी जो देखा था श्वान सेल्स होती थी, जिसमें आपकी न्यूरोलिमल लेयर प्रेजेंट होती थी, तो राइट डाउन दैट इज, इस पॉइंट को मार्क करना, एक्सॉन सराउंडेड बाय शीथ कॉल्ड न्यूरोलिमा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलिमा of spatial connective tissues, spatial connective tissues called
ट्रू आंसर्स। बच्चों कुछ बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप खुद देखो, हम लोग बात कर रहे थे नर्वस टिश्यू की, वी वर टॉकिंग अबाउट नर्व टिश्यूज, लेकिन आपके नर्व टिश्यूज में आप खुद देख रहे हो कि आपके कनेक्टेड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, श्वान सेल्स। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। श्वान सेल्स कैसे हैं? आपके कनेक्टेड टिश्यूज हैं। उनका नेचर क्या है? कनेक्टेड टिश्यूज का। डन, इस लाइन को मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन। और आपका लास्ट में आ गया साइनेप्स। दैट इज, दिस इज गैप बिटवीन, क्या हो गया, ये आपका गैप है, दैट इज गैप बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसको आप साइनेप्स कहते हो। यहाँ पे आपका मैसेज जो होते थे, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इनटू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स की फॉर्म में आपके ट्रांसमिट होते थे। और क्या होता था यहाँ पे, कौन सा होता था उसका नाम, दैट इज एग्जांपल लिख लो, कौन सा केमिकल है ये, एसिटाइल कोलीन। ओके तो ये हो गया आपके नर्वस टिश्यूज के पार्ट सारे के सारे। आपने सबसे पहले डेंड्रॉन देख लिया, फिर उसके बाद साइटोन देख लिया, फिर एक्सॉन, और उसके बाद आपने उसके एंडिंग देख ली, साइनेप्स भी देख लिए। डन, उसमें फिर आपने श्वान सेल्स जो एक्सॉन में प्रेजेंट होती थी, न्यूरोलिमा देख लिया और माइलिन शीथ देख ली, वो सब आपने कर लिया। सेल बॉडी के अंदर आपको निसल ग्रैन्यूल्स देखने को मिले, वो भी डन हो गया। अब आपके न्यूरॉन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको और देख लो बस, दैट्स ऑल। कहां कहां प्रेजेंट होते, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूं, डायग्राम में समझा दूंगा सारे। That is better. ये हैं आपके न्यूरॉन्स के टाइप्स, बस आपको लोकेशन याद रखनी कहां कहां प्रेजेंट होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, आपका यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और आपका मल्टीपोलर। सबसे पहले यूनिपोलर, यूनिपोलर में आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंगल, आपको क्या नजर आएगा, ये एक्सॉन नजर आएगा, सिंगल एक्सॉन दिख रहा है, यू कैन सी, ये आपका पूरा पूरा एक्सॉन ही है, सिंगल एक्सॉन आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर सेल बॉडी है, दिस इज एक्सॉन, के ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट है और ये नीचे इसके टर्मिनल पॉइंट प्रेजेंट है, दैट इज। तो इसलिए सिंगल आपका यूनि एक्सॉन देखने को मिल रहा है, तो आपका क्या हो गया, दैट इज यूनिपोलर। बाइपोलर में आपको दो जगह दिख रही है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बीच में सेल बॉडी है और ऊपर और नीचे आपके एक्सॉन्स हैं और फिर उसके एंडिंग प्रेजेंट, दैट इज यहाँ पे ये एंडिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिससे आपके मैसेज कलेक्ट किए जाएंगे। देन इसके बाद आपका स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर जो होता था बच्चों, ये आपका एक्चुअल में बाइपोलर होता है, लेकिन देखने में आपका यूनिपोलर की तरह लगता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर दैट विल लुक्स लाइक अ, एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअली एक्चुअली इट इज बाइपोलर है, ये बाइपोलर, बट देखने में आपका किसकी तरह है, आपका यूनिपोलर की तरह था। मल्टीपोलर्स हो गए, तो मल्टीपोलर्स में आपको देखने को मिलेंगे प्रॉपरली अरेंजमेंट, जो अभी आपने नर्व सेल देखी थी वो मल्टीपोलर थी, ये पूरे डेंड्राइट्स यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एक्सोन देखने को मिलेंगे, सेल बॉडी देखने को मिलेगी, एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे डेंड्राइट देखने को मिलेंगे।
यूनिपोलर में आप देखो आपको डेंड्राइट देखने को नहीं मिल रहे थे, सेल बॉडी तो है लेकिन डेंड्राइट नहीं है, गॉट इट? सो दैट्स व्हाई ये यूनिपोलर थे। मल्टीपोलर में आपका वेल डेवलप ब्रांच डेंड्राइट है, सो दैट इज अ डिफरेंस। बच्चों समझ में आई वाली बात? शिल्पा, अविनाश, जनक, वर्षा, आशीष, सभी को ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद नहीं करना, आपको ये चीज ध्यान रखनी होती क्या है, सिर्फ डायग्राम से समझ लो, दैट्स ऑल। इसकी सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है। यूनिपोलर है तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूनिपोलर का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल, ये प्रेजेंट होता है अर्ली एम्ब्रियो में, ये अर्ली एम्ब्रियो में मिलता है। ठीक है, आपका बाइपोलर है, बाइपोलर का एग्जाम्पल ये कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये देखने को मिलते हैं आपको ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम में, ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम। ऑल्फैक्ट्री समझ में आता है ना बच्चों सभी को? ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम समझ में आता है बच्चों? हाँ जी, ऑल्फैक्ट्री को समझ में आता है? ओ मेरे बच्चों, जिंदा हो कि नहीं? सर ऑल्फैक्ट्री मतलब तो स्मेल ना। राइट, ठीक है, फिर ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। राइट, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम मतलब आपकी जो एपिथेलियम का मतलब आउटर लेयर जो है, दैट इज उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं। एंड देन रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट है। देन आपके स्यूडो यूनिपोलर है, इसके एग्जांपल्स ये कहां प्रेजेंट है आपका, ये आपके जो मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, असली डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की गैंग्लियन सेल्स में प्रेजेंट है, स्यूडो यूनिपोलर जो है, हैं कैसे, बाइपोलर नेचर वाइज। और आपके जो बाइपोलर हैं वो हैं आपके ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम और आपके रेटिना में, और आपका जो यूनिपोलर होता था वो आपको देखने को मिलता था शुरुआत में एम्ब्रियो, और लास्ट में आपका मल्टीपोलर है। तो भाई मल्टीपोलर तो आपका सीधी सी बात है, आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में ज्यादातर जगह आपका मल्टीपोलर ही है। तो दैट इज ये कहाँ मिल रहा है एग्जाम्पल, ब्रेन में मिलेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, दैट इज फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आ गए कैसे होते हैं? यस सर। ठीक है, तो फिर मैं आज के लिए फ्री कर दूं क्या, या थोड़ा सा और पढ़ा दूं? छह बजे केमिस्ट्री है।